तो साथियों आपका स्वागत है सुपर वन एग्जाम अपडेट में। जैसे कि दोस्तों आप लोग इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी हेडमास्टर रिजल्ट को लेकर, और सभी लोग कह रहे हैं कि सर ये रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, परीक्षा को काफ़ी समय हो गया है और ये रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है, बीपीएससी ट्री का भी नहीं आ रहा है, उसे रोस्टर नहीं मिल रहा है और ये हेडमास्टर रिजल्ट में भी इतनी देरी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें अब हेडमास्टर रिजल्ट में देरी नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार ने बता दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक, मतलब कि मान के चलिए आप 27-28 अक्टूबर के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। मुझे तो दोस्तों कोई चांस नहीं लग रहा है कि 27-28 को रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बीपीएससी में भी यही न्यूज़ चलती रहती है कि 27-28 को रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको एक अनुमानित डेट बताने वाला हूँ, आपको उस डेट तक इंतजार करना है, आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपका रिजल्ट दीपावली के बाद, दिवाली के बाद किसी भी दिन जारी कर किया जा सकता है, क्योंकि अभी बीपीएससी ट्री है और बिहार स्टेट है, ये बहुत सी भर्तियाँ इनके चक्कर में पड़ी हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपका रिजल्ट बहुत लेट आएगा। और बिहार हेडमास्टर का रिजल्ट हर साल ही लेट आता है, इस साल भी लेट आएगा, आप देख लेना, दिवाली के बाद किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। तो आपको 5 नवंबर तक का वेट करना है दोस्तों, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।